एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, सम डेज आई वाज नॉट अपलोडेड एनी वीडियोस बिकॉज आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कहीं ना कहीं इस वीडियो में मेरे गले का साउंड भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्लियर नहीं आएगा, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी जिसकी वजह से गले की आवाज़ भी है वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। एनीवेज, बट मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि अभी जो है वो कॉलेज की जो एडमिशन है वो स्टार्टेड हो चुकी है आई थिंक, और क्लासेस स्टार्टेड होने वाली है, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आ रहे थे बट मैं आंसर दे नहीं पा रही थी, बट मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे एक डाउट है कि स्टूडेंट्स का डाउट है, यानी एक क्वेश्चंस किया गया था कि जैसे मैं मान लीजिए कि आपने जैसे बीएससी है, अगर आपने जिस सब्जेक्ट में किया उसी सब्जेक्ट में मुझे मास्टर ऑफ साइंस करना चाहिए या कौन सी सब्जेक्ट में करनी चाहिए। लाइक डैट, मान लीजिए कि आपने बीएससी जो है वो मैथ्स में करी, तो क्या मुझे मैथ्स में ही मास्टर ऑफ साइंस करनी चाहिए या फिर अनदर सब्जेक्ट जो है उसमें करनी चाहिए, लाइक डैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो इससे रिलेटेड मैं फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बीएससी कर लिए होंगे और उन्हें मास्टर ऑफ साइंस कोर्सेस करने का इंटरेस्टेड होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस ये सब रिलेटेड सब्जेक्टेड होती है, ठीक है, तो फिर इसमें आपका जब मास्टर ऑफ साइंस ऑफ कोर्सेस करते हो तो आपको जो एक कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट से करनी चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जिस सब्जेक्ट से आपने बैचलर ऑफ साइंस करी है, जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ से करी है या फिर फिजिक्स से की हो या फिर आपने केमिस्ट्री से की है, तो उसी सब्जेक्ट से आपको जो है वो मास्टर ऑफ साइंस करनी चाहिए। चलिए इसके बेनिफिट बता दें। इसका बेनिफिट यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने बैचलर ऑफ साइंस आपने मैथ से करी और मास्टर ऑफ साइंस आप फिजिक्स से कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि आपको प्रिपरेशन करने में या फिर सब्जेक्ट को, सिलेबस को समझने में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने बैचलर ऑफ साइंस जो है वो मैथ से की है या फिर केमिस्ट्री से की है, जो भी आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है आपने किया और मास्टर ऑफ साइंस आप उसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, सिलेबस समझने में प्रॉब्लम नहीं होता, आगे चलकर आपकी उस सब्जेक्ट की जो पकड़ होती है उस बहुत अच्छी होती है, उस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते हैं, आपकी उसमें स्किल जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो जिस सब्जेक्ट से आप बैचलर ऑफ साइंस किए हैं उसी सब्जेक्ट से आपको मास्टर ऑफ साइंस करनी चाहिए। अब दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डाउट होती है, एक कमेंट्स आती है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा बैचलर ऑफ साइंस में 63% है, तो क्या मुझे मास्टर ऑफ साइंस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, बट उसमें मुझे लगा मैंने डिटेल्स नहीं दे पाई, तो इसलिए मुझे लगा इसमें आपको डिटेल्स में थोड़ा बता दूँ। तो देखो फ्रेंड्स, प्राइवेट कॉलेज जो होती है ना, आप कोई भी कोर्सेस करने जाओ तो उसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है, ठीक है, और परसेंटेज भी ज़्यादा मांगी जाती है। लाइक डैट, अगर आप बीएड कोर्सेस करते हो प्राइवेट से, तो इसमें क्या होता है कि आपका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो फिर आपका जो है वो समथिंग 1 लाख में हो जाता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हो तो 1.5 लाख तो लग जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि 55% है या 60% है, तो ईजली तरीके से आपकी जो है वो एडमिशन हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये जो दो डाउट है, वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे या जो नहीं भी देख रहे होंगे, ये दो क्वेश्चंस का बहुत सारा डाउट होगा। सो मैंने इस डाउट को क्लियर किया है इस वीडियो में। अगर इसी प्रकार का किसी प्रकार का आपका डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट दिन इससे रिलेटेड ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।